Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूरोप में स्थित एक बेहद ही शानदार देश के बारे में, जिसकी खूबसूरती लोगों को दीवाना तो करती ही है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है कि अलग अलग देशों से इन्हें टूरिस्ट देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस देश की हवाएं ताजगी से भरपूर है। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को काफी खुले वाला माना जाता है, और साथ ही यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं वैश्यवृत्ति के कामों को करती है। दोस्तों, इस देश के कई सारे शहरों और गलियों में देह व्यापार करने वाली महिलाएं अपनी खुली झलक दिखाती है। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया है। ये देश सेंट्रल यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी चारों दिशाओं में कोई ना कोई एक देश आता है, और इस देश में पूरे यूरोप का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल भी मौजूद है। दोस्तों, अगर बात करें ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देश के बारे में, तो ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देशों में चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी, इटली और स्विट्जरलैंड आता है। दोस्तों, इस देश की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 89 लाख के आसपास है, जिसमें 70% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले रहते हैं, 8% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, और बाकी के 22% लोगों में किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत बीचेस भी मौजूद हैं, जिस पर पुरुष हो या महिलाएं, सूरज की किरणें, ताजी हवाएं, साफ पानी लेने अक्सर लोग आते हैं। इन बीचेस पर माहौल बहुत ही शांत रहता है। आप क्या करते हैं, इन सारी चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, इसी वजह से लोग इस देश को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की महिलाएं बेहद ही सुंदर मानी जाती है। इनके लंबे कद, किसी को भी आकर्षित करने वाली शरीर और खुले विचार होने के कारण एक बार जो इनसे बात कर लेता है वो इनका दीवाना हो ही जाता है। और इसके अलावा इस देश में देह व्यापार करना कानूनी रूप से मान्य है, इसीलिए तो इस देश की कई सारी लड़कियां और महिलाएं लीडर होकर इस काम को करती है। इन सारे कामों को करने के बावजूद यहाँ के लोग इन सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रियाई लोगों का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर लड़कियों को ये सारे काम करना अच्छा लगता है तो यही उनके लिए बेस्ट है। दोस्तों, अगर बात करें पूरे ऑस्ट्रिया के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये देश 83,879 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और ये देश जितनी बड़ी है उस हिसाब से यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री दी जाती है, और यही कारण है कि यहाँ के 99% लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो 4 सालों के बाद सरकार उसे खुद अपने सरकारी स्कूल में नाम दाखिल करवा देती है। इस देश के पुरुष को सबसे हेल्दी और फिट माना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के हर एक पुरुष को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस देश में हरियाली बहुत ही ज्यादा है, पेड़ पौधों से वातावरण पूरे चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ के 83% धरती पर जंगलों का मौजूद होना। दोस्तों, इस देश में 90% लोगों की शादियाँ लव मैरिज के थ्रू होती है। यहाँ पर कोई भी लड़के हो या लड़कियाँ अपने प्यार को पूरे जिंदगी भर निभाते हैं, तभी तो स्कूल का पहला प्यार ही इनका जीवन साथी बन जाता है। अब जब यहाँ पर स्कूल में ही पहला प्यार हो जाता है, और इस देश में वैश्यवृत्ति करने की भी आजादी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग स्कूल टाइम में ही शारीरिक संबंध जल्दी बना लेते हैं, लेकिन इन सारी चीजों पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। दोस्तों, स्वीडन के बाद ऑस्ट्रिया के लोग पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा स्वस्थ माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने हेल्थ और फिटनेस का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, और इसकी वजह से ऑस्ट्रिया के लोगों का औसतन आयु 76 सालों की है। दोस्तों, यहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी का कोई शब्द है ही नहीं। सारे लोगों के पास कोई ना कोई काम होता ही है, और ये सारे लोग अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करते हैं। यहाँ की सड़कों पर ऑफिस टाइम में काफी कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन शनिवार के शाम से ही यहाँ की हर गलियाँ हर जगहों पर भीड़ भाड़ होना शुरू हो जाता है। रात को लोग खूब सारे मौज मस्ती करते हैं, तरह तरह के पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, डांस के मजे उठाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस देश की करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर पैसे के रूप में यूरो चलता है, जो 1 यूरो भारत में 90 रुपए के बराबर है। और बात करें ऑस्ट्रिया के कैपिटल के बारे में, तो इस देश की राजधानी वियना सिटी है, और आप साल्जबर्ग की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। लेकिन ये बहुत साल पहले एक धार्मिक स्थल हुआ करता था, जहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों का जमाव होता था। दोस्तों, पूरे यूरोप में सबसे ऊंचा वाटरफॉल ऑस्ट्रिया में मौजूद है। इस झरने की ऊंचाई 380 मीटर है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो इसकी खूबसूरती और भी सुंदर दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में एक सड़क है जिसका नाम फ्रांस जोसेफ है, जिसे सबसे शानदार सड़कों में गिना जाता है।
है। इस रास्ते पर गाड़ी से सफर करते समय इसकी खूबसूरती और भी साफ दिखाई देने लगती है। इस पूरे रास्ते में पहाड़, जंगल और चारों तरफ बर्फ की खूबसूरत नजारों से घिरा रहता है। दोस्तों, वियना सिटी ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान रखता है। इस शहर को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट पूरे यूरोप से आते हैं। दोस्तों, यूरोप के जितने भी नागरिक हैं उन्हें ऑस्ट्रिया में जाने के लिए किसी भी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भारत के निवासियों को इस कंट्री में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है।